हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल मेवाड़ा। मैं रहता हूँ अहमदाबाद में और मेरी दुकान भी अहमदाबाद में। तो आज अपन एक ऐसा बिजनेस लेके आए जिसमें आप थोड़े से पैसे लगाकर महीने के 5 से 7 लाख रुपए कमा सकते हो। कितने? थोड़े से पैसे लगाकर महीने के 5 से 7 लाख रुपए बस कमा सकते हो, ठीक है? तो वीडियो को 5 स्टार लगाकर एंड तक जरूर देखे। ये वीडियो आपकी जिंदगी बना देगा भाई, ठीक है? ये स्पेशली मिडिल क्लास वालों के लिए वीडियो। अगर आप मिडिल क्लास हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको थोड़े से पैसों का जुगाड़ कर लो, महीने का 7 लाख 8 लाख 10 लाख, ठीक है 5 लाख से 10 लाख के बीच बीच में कमाओगे हर महीने। एक ऐसा बिजनेस हो, लेकिन थोड़ा रिस्क है, लेकिन हम तो है भाई रिस्क से इश्क करने वाले बंदे। तो भाई धंधे में बहुत मजा आएगा, ये धंधे में मजे मजे करते जाओगे, आपके भी मजे और जो जो धंधा करें उनके भी मजे और देने वाले भी मजा। और ये का बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका लोग हाथ जोड़ेंगे आपको कि भाई ये प्रोडक्ट हमारे को दे दो, ठीक है? तो अभी आप थोड़ी आपकी प्रश्नों की बात, पर्सनल लाइफ की बात करते हैं कि अगर आप है ना, अभी आप क्या कर रहे हो? हाल फिलहाल नौकरी कर रहे हो? बॉस को मारो पीछे से खींच की लात के, भाई नहीं करनी तेरी नौकरी, तेरे पास रख तेरी नौकरी नहीं करेगा मैं अभी, क्योंकि अभी खुद का व्यापार करेगा खुद का बिजनेस करेगा। तेरी नौकरी बॉस को पीछे से खींच के मार के लात मारो भाई, जो भी है हिसाब कर, चल बोल से बॉस को, मेरा हिसाब कर दे अभी, मेरे को नहीं करना तेरे इधर काम, ठीक है? ये बोल के अपना हिसाब करवा लो, नौकरी छोड़ दो आज की आज। नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो आप, बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है भाई? ताकत रखो, जोश रखो, बिजनेस करो, पैसा लगाओ, 3 गुना पैसा कमाओ, ठीक है? आपको लगता है कि आप अगर नौकरी कर रहे हो वो बहुत बड़ी बढ़िया नौकरी है, बहुत अच्छा अमाउंट है, बहुत अच्छी लाइफ है, वो भाई वो सोच आपकी छोटी है, ठीक है? क्या सोच है आपकी? बहुत छोटी सोच है, बड़ी सोच नहीं है, बहुत छोटी सोच है इसमें आपकी, ठीक है? 15,000 20,000 30,000 आपकी सैलरी है, तो आज नौकरी छोड़ दो भाई, नहीं करनी नौकरी भाई, गुलामी नहीं करनी है 15,000 20,000 में, आपको गुलामी करनी नहीं है, खुद का बिजनेस करो। अगर आपको लगता है 30,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है 30,000 आपको लगता है, तो एक अल्टा खरीद के बता दो, फटके हाथ में आ जाएगी आपको अल्टा खरीद, एक अल्टो की गाड़ी खरीदनी में, ठीक है? अल्टो गाड़ी अभी 5 लाख की आती है भाई, 30,000 25,000 30,000 के वहां पे आप डाउन पेमेंट भी नहीं कर सकते हो भाई, डाउन पेमेंट के लिए भी 2.5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है? अभी आप अल्टो गाड़ी खरीद नहीं पा रहे हो, बोल रहे हो मेरे पास बहुत बड़ी अमाउंट है, है? आप क्या खरीद सकते हो पता है? आप स्प्लेंडर खरीद सकते हो, आप साइकिल खरीद सकते हो, आपकी वहां तक पहुंचनी है, अल्टो गाड़ी भी आपको खरीदने की पहुंचनी है। बाकी आप अच्छी गाड़ी तो सोचो ही मत, वरना ये स्कॉर्पियो ये तो आप माइंड से निकाल ही दो, 25,000 30,000 वालों आप निकाल दो माइंड से, आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये आप नहीं खरीद सकते हो, आप खाली स्प्लेंडर पे ही जिंदगी गुजार दोगे, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। क्योंकि मैं नौकरी करता था भाई, मेरी नौकरी थी कपड़े की दुकान में, 15,000 सैलरी थी, नौकरी मैंने 15,000 सैलरी में 6 महीने काम किया, 90,000 हाथ में आया, 90,000 तो कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला भाई, है? फिर मैंने सोचा भाई ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला लाइफ में भाई, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी इतना मिल नहीं रहा है, तो बोल रहा भाई कल से मैं नौकरी आऊंगा, नौकरी नहीं होगा तो मेरा हिसाब कर दे। नौकरी छोड़ के आ गया, थोड़े दिन कपड़े की दुकान में नौकरी की, अभी खुद की कपड़े की दुकान कर दी, अभी 2 दुकान है कपड़े की दुकान में, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ मैं, ठीक है? ये अच्छी लाइफ जी रहा है ना भाई, खुद का राजा, अपनी मर्जी होता है इसको, मर्जी हूँ तो दुकान खोलूं, मर्जी होता बंद कर दूं, मेरी खुद का राजा हूँ, मालिक हूँ अपना, इसकी आज नहीं जाना है दुकान पर, तो चलो शटर फाड़ देते, बंद दे दुकान, मेरी मर्जी, ठीक है? रात की 11 बजे तक मेहनत करूंगा, रात की 12 बजे तक मेहनत करूंगा, मेरी दुकान है, ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो मैं कमाऊंगा। नौकरी वालों को क्या पता है आपका, कितनी भी मेहनत कर लो आप, सेठ को लगेगा नहीं यार मजा नहीं आया, कुछ काम नहीं करता, बैठा रहता है भाई, वो लगता है सेठ। आप उनके सामने कुछ भी कर लो यार, कितना भी मेहनत कर लो, कितनी भी आप कितनी भी कुछ भी कर लो उनके उनके सामने, लेकिन उनको नहीं दिखेगा यार, उनको कुछ नहीं दिखेगा भाई, ये मैं लिख के देता हूँ नौकरी वालों, आप ये बात ध्यान से सुन लो, ठीक है? आप कितनी भी मेहनत कर लोगे, बॉस टारगेट देता है भाई आज 20,000 का करना है, 20,000 कर दो, 50,000 का टारगेट देगा, ये टारगेट कभी बुरे नहीं होंगे भाई, एक दिन तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, एक दिन आपके घर से आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन टारगेट कभी नहीं पूरे होंगे साले। ये मेरे को भी टारगेट दे देते हैं, मैं टारगेट कर करके थक जाता ले, लेकिन टारगेट बढ़ते जाते थे, कभी कमी नहीं होते यार, खत्म ही नहीं होते जिंदगी में टारगेट, इसलिए कह रहा हूँ नौकरी छोड़ दो आप, नौकरी करनी ही नहीं है, ठीक है? मैं बहुत बढ़िया बिजनेस बताने वाला हूँ, मेरे जितने भी वीडियो बन रहे हैं सारे भाई नौकरी छोड़ने को ही मैं बोलता हूँ भाई, नौकरी करनी ही नहीं। आप नीचे से वीडियो आप देखते आइए, सारे में मैंने एक ही चीज बोली है, नौकरी नहीं करनी, खुद का बिजनेस करो, खुद का व्यापार करो भाई,
ठीक है, नौकरी फिक्स रेट वाली नौकरी है, नौकरी में आप कितना भी काम करोगे आपको सैलरी फिक्स है उसमें। अगर 15,000 सैलरी है तो 15,000 ही मिलेगी, कितने मेहनत करो 25,000 कोई नहीं देने वाला, ठीक है। अभी व्यापार में क्या है पता है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। आप चलो आपने दुकान सुबह मॉर्निंग में जल्दी खोल दी, 8 बजे खोली, रात को 11 बजे तक दुकान पे बैठे, अच्छा व्यापार हुआ, उसमें प्रॉफिट किसका मिलेगा? आपको मिले ना, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या सेठ को मिलेगा? सेठ तो कोई है नहीं, आप ही खुद ही सेठ हो, तो जितना भी प्रॉफिट आप खुद कमाओ भाई, प्रॉफिट कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। नौकरी छोड़ देना, आपको आपकी माँ की कसम है, अगर नौकरी नहीं छोड़ी, नौकरी छोड़ो, खुद का व्यापार करो, बिजनेस करो, ठीक है। किसी के साथ में एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिसमें आप थोड़े से पैसा लगाकर लाखों रुपए कमा सकोगे, 5 से 7 लाख रुपए कमाओगे, ठीक है। इस वीडियो में बहुत बढ़िया वीडियो होता है यहाँ नया आपके लिए। तो भाई अपने सबसे बेस्ट बिजनेस करते हैं भाई कलालों का बिजनेस, मैं खुद कलालों का बिजनेस, ठेका दारू का बिजनेस, वाइन शॉप, अंग्रेजी शराब की दुकान। तो भाई सबसे बेस्ट धंधा ये है भाई, अंग्रेजी शराब की दुकान, दारू का धंधा सबसे बेस्ट धंधा है भाई, ठीक है। लेकिन इल्लीगल बिल्कुल नहीं करना है, पूरा लीगल तरीके से करना है। सबसे पहले आपकी क्या करिए भाई, सबसे बेस्ट आप फार्म भरिए, ठीक है। राजस्थान में हर साल निकलते हैं फार्म ठेको के, 10 ठेकों में से 100 ठेकों मान लो कि भाई 100 ठेके तो 1 लाख फार्म भरे जाते हैं, उसमें आप फार्म लगा दीजिए अपने हिसाब से, 200-300 फार्म भर दीजिए, कहीं कहीं तो ठेका लगेगा ना भाई। और मान लो किसी जगह आपका लग गया ठेका, 1 ठेका, तो भाई फिर तो चांदी है, ठीक है। आप ठेका लगा दीजिए, ठेका लग गया उसके बाद में आपको क्या करना है पता है, अपनी दुकान की GST बनानी है। GST आपने बनवा ली, और सबसे पहले GST बनाना दुकान का, फिर आपके आजू बाजू में जहाँ पे स्कूलें ऐसी कुछ चीजें नहीं हो, वहाँ पे जहाँ बच्चों की वालों की कोई चीजें नहीं हो, वहाँ पे आपको एक सिटी के अंदर नहीं खोलने का दुकान, सिटी से बाहर हाईवे रोड पर आपको एक बड़ी सी दुकान खोलनी है, समथिंग दुकान होनी चाहिए अच्छी खासी, 15x40 की दुकान होनी चाहिए, बड़ी दुकान। और आपको सारी ब्रांड की दुकान दारू रखनी है, सारी जितनी भी ब्रांड की जो भी बियर दारू वारू मिलता है सब कुछ रखता है भाई, ठीक है। मेरे दोस्त की अभी बियर की उसने वाइन शॉप खोली है, उसका पर डे का धंधा 1 लाख से 1.5 लाख होता है, कितना पर डे 1 लाख से 1.5 लाख। आप हाईवे रोड पे खोलोगे वहां पे भाई सबसे ज्यादा दुकान है, वाइपी चलती है भाई, शराब की दुकान है, लोग खाना नहीं खाएगा लेकिन पिएगा फील है, ठीक है। और सीजन की बात करें, दिवाली है तो भी दारू चाहिए, शादी चल रही घर में, शादी है फंक्शन है तो भी दारू चाहिए, कोई मर गया तो भी दारू चाहिए, बर्थडे है तो भी दारू चाहिए, तो भाई दारू का धंधा कभी बंद होने ही नहीं वाला भाई। और मेरा मानना है कि भाई जहाँ पे भी जो शराब की दुकान है, अच्छी दुकान है, अच्छी खासा अपना अगर माल भर रखा है तो पर डे का धंधा 5 से 6 लाख तक चला जाता है, ठीक है। और अपन दुकान की बात करें, बजट की बात करें, तो इसमें बजट समथिंग आपका बजट होना चाहिए 15 से 17 लाख रुपए, इसमें बजट आपको रखना है, क्योंकि 2 से 3 लाख रुपए आपकी ये दुकान में फर्नीचर ऐसा कुछ करवाओ इसमें चला जाएगा, और आपको 15 लाख रुपए का माल भरना है, कितना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें माल ही है भाई, 1-1.5 लाख रुपए फ्रीज आ जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है माल बहुत ज्यादा रखना है, ठीक है। अगर दुकान में नहीं रख सकते हो तो एक बाजू में गोडाउन रखो, गोडाउन में माल रखो, माल सब रखना है भाई। और अपन प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भाई कोई कोई चीजों में 30% प्रॉफिट है, कोई कोई चीजों में 40% और कोई कोई में 50% तक भी प्रॉफिट है, ठीक है। और ग्राहक आपको हंस के पैसा देके जाएगा भाई, हाथ जोड़ेगा भाई यार मेरे को दे दो यार, ऐसे ग्राहक आपको हाथ जोड़ेगा, भाई शराब की दुकान है, मैं खुद कला लू, मेरे काका दारू की दुकान करते हैं, उनका आपने राजस्थान में इलाका सुना हो, राजस्थान में कामलीघाट, राजसमंद जिला का जिले में कामलीघाट है, वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे पर डे का सेलिंग 3.5 लाख से 4 लाख का सेलिंग होता है दारू का भाई, कितना 4 लाख का दारू का सेलिंग हुआ तो 10 दिन का हो गया ये 40 लाख, और महीने का हो गया आपके 1.2 करोड़, 4×8=12, ठीक है। महीने का 1.2 करोड़ का धंधा हो गया, उसमें 1.2 करोड़ का अपन प्रॉफिट मान लेंगे तो महीने का 30 लाख का प्रॉफिट हो गया, अगर अपने 30-35% भी मान ले तो 25% मान ले तो सॉरी कितना प्रॉफिट हो गया 30 लाख रुपए में प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और सबसे कम देता आप शराब की दुकान कहीं पे भी हाईवे रोड पे खोलोगे ना कहीं पे भी, वहां पे सबसे कम धंधा कम से कम 1 लाख रुपए का होगा, 1 लाख का धंधा हो गया महीने का हो गया कितना 30 लाख का प्रॉफिट उसमें मिल गया, कितना आपको 5 से 6 लाख 7 लाख रुपए मिल जाएगा प्रॉफिट, 10 लाख में प्रॉफिट बनता है लेकिन अपन 7-8 लाख प्रॉफिट बनाए
2 लाख का खर्चा हो जाएगा, आप स्टाफ स्टाफ रखोगे 2 लाख का खर्चा हो जाएगा, फिर भी आपके महीने का 5-6 लाख रुपए बच जाएगा। जितना 15-17 लाख रुपए आप डालोगे ना, वो 2 महीने में निकल जाएगा सारा पैसा आपका। फिर लीला लहर जितना पैसा कमाना छापो जितना छापना है भाई, ठीक है। और भाई सबसे बेस्ट धंधा ये दारू का, लोग खाना खाना बिना रह जाएगा, पानी पीना रह जाएगा, दारू बिना नहीं रह सकता। कई कई जगह पर मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं, सुबह 4 बजे पहुंच जाता है भाई दारू पीने के लिए, मॉर्निंग में 4 बजे भाई चाय नहीं पीते, चाय पीते नहीं दारू पीते हैं। कोई कोई बंदे खाने से पहले दारू पीते हैं, कोई कोई खाने से बाद दारू पीते हैं, कोई कोई रात को दारू पीते हैं, कोई सुबह दारू पीते हैं, कोई रोज दारू पीते हैं, कोई सुबह दारू पीते हैं। लोग कुल मिला के भाई दारू पे चलेगा ही चलेगा, सबसे बेस्ट बिजनेस है भाई, ठीक है। अगर मैं कपड़े का दारू कपड़े का धंधा नहीं करता तो मुझे लेता हूँ मैं राजस्थान में दारू का बिजनेस, ठीक है। दो तीन मुझे तीन चीज़ें बहुत पसंद है, पहला कपड़े का है, नंबर का दूसरे खुद का और तीसरे डेयरी का, ये तीन तीन धंधे मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये धंधे हमेशा ही चलते आए, ठीक है। मेरे दादा भी दारू पीते थे, मेरे दादा के पापा भी दारू पीते थे, उनके दादा भी दारू पीते थे, तो दारू तो कभी खत्म होने वाला नहीं, हमें आगे भी चलता नहीं जा भाई। सेलिब्रेशन है, दारू 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 बनाओ भाई, मतलब है दारू बनाओ, ठीक है। तो भाई दारू का धंधा कभी बंद नहीं होने वाला है। अब ये दारू में अगर आपको 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 सिर्फ 5 साल मिल जाए ना दारू में, सिर्फ 5 साल मिल जाए, 5 साल आपको दारू का ठेका मिल जाए या भाई का मिल जाए या शराब की दुकान मिल जाए या बियर बार मिल जाए, इससे आपका कोई क्षति हो जाए ना आपके, तो महीने का आप 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख भी कमा सकते हो। दारू के धंधे में कोई फिक्स इनकम नहीं है, अंधा धुंध इनकम है, जितना कमाना है कमाओ भाई, जितना सापना है छापो आपके साथ, ठीक है। ये बिजनेस कभी बंद ही नहीं होने वाला भाई, ये बिजनेस ये ना भाई वो खान है, हीरे की खान है, ये दारू का बिजनेस कैसा है पता है, हीरे की खान है, जितना खोदते जाओगे उतना निकलता जाएगा। जैसे आप जितना उसमें पैसा डालोगे पैसा बनता जाएगा, ठीक है। तो भाई ये कैसे भाई, जहाँ पे यहाँ पे गुजरात में तो दारू की बंदी है, लेकिन गुजरात के दूसरे कोई भी इलाके में आप दारू की शराब की दुकान जरूर जरूर खोल सकते हैं और महीने की अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो आप, ठीक है। और बहुत बहुत टाइम में आप करोड़पति बन जाओगे, ठीक है। लखपति नहीं कह रहा हूँ, करोड़पति बन जाओगे, ठीक है। अरे मेरी बहुत सारे दोस्तों ने भी नई नई शराब की दुकानें खोली है भाई, अंधा तुम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। मैं खुद उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ, बाबा मैं आपके सामने कुछ नहीं, मेरी जैसे उम्र के लड़के ने दारू खोली, अंधा दिन जैसा गांव में। अरे वो गांव में भी दुकान खोल देते हैं ना भाई दारू की, गांव में अपने नॉर्मली गांव में मान लो कि 1000 लोगों की बस्ती है, वहां पे भी दुकान खोल देते हैं, वहां पे भी उनके 25-30 हज़ार का सेलिंग हो जाता है गांव में भी। भाई शराब चीज ही ऐसी है भाई, सबको प्यारी लगती है, मुझे भी प्यारी लगती है भाई, मुझे भी बियर बहुत पसंद है, सबको भाई ऐसी चीज़ें पसंद होती है। और क्या आप खुद बोलते हो भाई, आप खुद बताओ ना आपको बियर पसंद है कि नहीं, अच्छी लगती है ना, तो भाई शराब चीज़ ही ऐसी है, ठीक है। और आपको आप खुद से खुद विचारो ये धंधा कभी बंद होने वाला है, ठीक है। शराब का सेटिंग कर लो कहीं से अच्छा सा, और आप फार्म भरते रहिए, हर बार फार्म लगाइए, किसी बार तो लगेगा ना यार, किस बार तो किस्मत खुलेगा, 5 फार्म 10 फार्म जितना आपसे हो सके उतना भरिए, लोगों के नाम पर वो करिए, किसी दिन तो लगेगा, जिस दिन लगी है लग गया उस दिन सारा चांदी चांदी हो जाएगा, जितना पैसा आपने लगाया होगा ना 5 साल में सारा पैसा एक ही झटके में निकल जाएगा, ठीक है। ये बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है शराब का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में आपके जो लिखना है लिखिए भाई, ठीक है, कमेंट में जो लिखिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, धन्यवाद।